नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शौर्य गाथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं डॉक्टर भगवान सिंह का, जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, एमए हैं, पीएचडी में हैं इतिहास में, और इतिहास की कई किताबें लिख चुके हैं और कई सैकड़ों किताबों को इन्होंने प्रकाशित किया है इतिहास की, और बहुत रिसर्च और सर्वे किया है। डॉक्टर भगवान सिंह जी का हमने पहले भी एक इंटरव्यू किया था, जो कि परमार राजवंश की उत्पत्ति और उनके इतिहास के ऊपर था, जिसको बहुत पसंद किया गया था। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के। आज का जो हमारा विषय है वो है प्रतिहार राजपूतों का इतिहास और उनकी उत्पत्ति। साथ ही हम आगे बात करेंगे उनके साथ कुछ विवाद भी जो आजकल जुड़ रहे हैं उसको लेकर के। तो डॉक्टर भगवान सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा प्रश्न है कि प्रतिहार राजपूतों का, प्रतिहार क्षत्रियों का जो इतिहास है और उत्पत्ति है वो क्या है, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ? भाइयों, प्रतिहार क्षत्रियों के इतिहास के विषय में हमें बहुत कुछ उपलब्धियां प्राप्त है। सबसे प्रमुख बात तो यह है कि जो महान प्रतिहार सम्राट हैं, नागभट्ट द्वितीय या मिहिर भोज, तो उनके स्वयं खुदवाए हुए लेख, जो स्वयं के खुदवाए हुए लेख हैं, भारतीय इतिहास के सटीक यथार्थ प्रमाण हैं। इनके ग्वालियर से प्राप्त अभिलेख मिहिर भोज का, उसमें साफ वंशावली के साथ ये साफ कहा गया है कि मेरा वंश सूर्य वंश है और मैं राम के भ्राता लक्ष्मण के वंश के, हम उनके पुत्रों के वंश के वंश हैं, माने सूर्यवंशी हैं, इनका संबंध लक्ष्मण से संबंधित है ये वंश, इसलिए यह मूल रूप से सूर्यवंशी क्षत्रिय है। और इसीलिए उन्हें प्रतिहार भी कहा गया है, क्योंकि लक्ष्मण जो थे वो राम जी के प्रतिहार थे। बिल्कुल, ये उस लेख में कहा गया है, सवित्र स्थित्र दंड प्रतिहारण विधेय प्रतिहार आसीत, हमारा यह प्रतिहार वंश लक्ष्मण के वंश का स्वामित्र संबंधित हमारा यह वंश है। और इसी बात को बाऊ के घटियाला अभिलेख में, जो जोधपुर के पास है, जोधपुर वहां दो अभिलेख मिले हैं हमको बाऊ के, जिसमें यह कहा गया है कि स्वभ्राता रामभद्र से प्रतिहार कृत यत। ये किनका अभिलेख मिला है? ये अभिलेख है बाऊ का है। ये कब? बाऊ हरिचंद के एक वहां वंशज थे, जो उन्होंने ये प्रतिहार अपने को कहते हैं, वो भी ये कहते हैं कि हम सूर्यवंशी प्रतिहार वंश के हैं। वो उस अभिलेख के चौथे लाइन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारा वंश प्रतिहार राजवंश है। इसलिए मित्रों, ये अभिलेखीय प्रमाण हमारे पास एपिग्राफिया इंडिका वॉल्यूम 18 पृष्ठ 1 से 7 से 10 तक आप देखिए, और उसके बाद जो ये उसमें उस अभिलेख में एक क्षत्रिय पुंगव, माने क्षत्रिय एक क्षत्रिय वंश का, एक क्षत्रिय वंश का सिरमौर एक छुआकु वंशीय उन्नत करने वाला यह प्रतिहार वंश है, ये कहा गया है। इसलिए इससे अब हमको अकाट प्रमाण क्या चाहिए कि स्वयं उस वंश का राजा मिहिर भोज, जो स्वयं अपने वंश के इतिहास का घोषणा करता है, इससे अकाट प्रमाण हमको दूसरा कुछ हो नहीं सकता। और हम उसके इस प्रश्न पर, उसके इस कहे हुए बात पर अपना प्रश्न नहीं उठा सकते, क्योंकि वो स्वयं अपना ऐतिहासिक बात रखता है। और प्रतिहारों के ये जो शाखा थी, मान्यपुर शाखा, जिसको मैं बाऊ का अभिलेख कहा, जोधपुर अभिलेख में, उसमें भी अभी कहा गया है कि चूंकि रामभद्र रामचंद्र के अपने अनुज से के ही प्रतिहार द्वारपाल का काम किया था, अतः यह प्रतिहार नाम से ज्ञात हुआ, उसकी उन्नत होती रहे, ये उस अभिलेख में कहा गया है। ये आपने दो अभिलेखों के बारे में बताया, जिनसे काफी जानकारी मिलती है कि प्रतिहार जो थे वो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, उन्होंने ऐसा अपना अभिलेखों में वर्णन भी किया है। साहित्य में भी इनके बारे में कुछ कुछ लिखा गया होगा, काफी कुछ उस समय के और मध्यकालीन साहित्य में लिखा गया होगा, कुछ साहित्यिक प्रमाण आप दे सकते हैं इनके क्षत्रिय होने, राजपूत होने के? हमारे पास अभिलेखीय प्रमाण बहुत ही सटीक यथार्थ है कि स्वयं उस प्रतिहार राजवंश के ही राजा मिहिर भोज ने अपने अभिलेख में स्वयं घोषणा किया है कि हमारा सूर्य वंश है और हम राम के भाई लक्ष्मण के वंशज हैं, ये अभिलेखीय प्रमाण है। और जोधपुर अभिलेख में भी उनको प्रतिहार वंश का ही बाऊ के अभिलेख में कहा गया है। और ये जो दो अभिलेखीय प्रमाण आपने दिया, और यह प्रमाण अकाट्य प्रमाण है, क्योंकि स्वयं राजा का ही घोषणा किया हुआ है, इसलिए राजा स्वयं मिहिर भोज ने अपने वंश का घोषणा किया है, इसलिए उस प्रश्न के ऊपर हम कोई प्रश्न नहीं उठा सकते, ये हमारा कहना है। दूसरी बात, साहित्यिक स्रोत से
संस्कृत के महान कवि राजशेखर जो स्वयं प्रतिहार वंश महेंद्रपाल के कोर्ट पोएट थे। आज जो ये जो राजशेखर है संस्कृत का बहुत प्रकांड विद्वान है भारत का, इसने काव्य मीमांसा लिखा है, ये आपका जो कर्पूर मंजरी लिखा है, ये बाल रामायण कई बहुत, वो स्वयं कोर्ट पोएट था प्रतिहार महेंद्रपाल का। वो इस वंश को कहता है, महेंद्रपाल के कहता है कि प्रतिहार राजा महिपाल ये रघुवंश मुक्त मुक्त मुक्तामणि ये रघुकुल तिलक है, रघुग्रामी है, रघुवंश के नेता है, रघुवंश को आगे निकालने वाले हैं। तो उसी वंश से महेंद्रपाल के कोर्ट पोएट राजशेखर जो विश्व का प्रसिद्ध संस्कृत का विद्वान है, काव्य मीमांसा का लेखक, कई किताबों का लेखक, प्रकांड विद्वान, वो भी उस कोर्ट पोएट का वो रघुवंश का ही सटीक प्रमाण हमको देता है। इसलिए हम उसके बात को भी नहीं काट सकते, इतिहासकार कोई भी नहीं काट सकता। इसलिए प्रतिहार वंश निश्चय ही सूर्यवंशी ये क्षत्रिय है। दूसरी बात, ये भारत का हमने दो प्रमाण आपको दिया कि स्वयं एक कोर्ट पोएट है उनके राजशेखर, और उनके अभिलेख हैं राजाओं के स्वयं खुदवाए हुए, ये उनके अपने स्वयं कहे हुए अभिलेख हैं, और स्वयं जो राजशेखर कवि है वो स्वयं घोषणा करता है ये सूर्यवंशी लोग हैं। दूसरी बात, ये जो एक विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत इसमें रचा गया प्रतिहारों का, उसमें और चारों आ जाता है, तो इसमें कर्नल जेम्स ताड़ ने पृथ्वीराज का चंद्र बधाई का उसका यज्ञ कुंड जो आबू पर जो यज्ञ हुआ उसको लेकर के ये सिथियन थ्योरी को इन लोगों ने रचा, और उसके रचने के भी कई कारण हैं। उसमें इस बात को सबसे पहले ये जो तथ्यहीन विचार जो दिया गया इसको जो है आपके कैपबेल और जैक्सन ने इस बात को आगे बढ़ाया कि ये विदेशी लोग हैं, ये क्षत्रिय लोग, इनको शुद्ध किया गया। कारण ये था, और ये बात जो मार्शल के बाद इसको और बढ़ाई गई, कारण ये था कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जब खुदाई हुई और सिंध सभ्यता की हमारी सभ्यता 4000 वर्ष पहले चली गई, इसलिए ये लोग हमको गौरवशाली नहीं दिखाना चाहते थे, वो हिंद जो गोरे लोग थे हमारे काले लोगों को हीन भावना से ग्रसित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो आर्य अनार्य की थ्योरी रची। और ये कहा गया है कि यह जो हूण है, हूण के साथ एक खजर जात आती है, और खजर जात से जो है वो जुड़ते हैं कि ये गुजर जात जो है वो खजर हूणों के वंशज है। इसमें भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अभी जो राखीगढ़ी में खुदाई हुई है, और राखीगढ़ी में प्रोफेसर शिंदे ने जो खुदाई की, हमारा भारतीय संस्कृति का इतिहास 10,000 वर्ष पुराना हो गया है, इसलिए विश्व के सामने अभी खलबली मच गई है, अभी विश्व के लोगों के अंदर, अभी कुछ सालों के अंदर, इसलिए वो को षड्यंत्र रच करके हमारे गुजर भाई को भी विदेशी साबित करने के लिए ये उस हूण वंश और खंजर से जोड़ते हैं, जबकि प्रतिहार राजाओं ने हूणों को मार निकाला है, इस देश से निकाला है इसको हूणों को, और ये कैसे संभव है कि उसी हूण से हमारे प्रतिहार वंश हुए और ये जो आपके गुजर हुए, और उसी वंश को हमारे ये राजा उनको मार के निकालते हैं। उसमें महेंद्रपाल का एक चालुक्य सामंत आपका रवि वर्मन, वो ये कहता है कि हमारे चालुक्य वंश का था वो, ये प्रतिहारों का सामंत था गुजरात का जूनागढ़ का, वो ऊना से जो दो प्राप्त अभिलेख हुए हैं 883 के और 899 के, उस अभिलेख में वो कहता है कि जो है हमारे पिता ने हूणों को इस देश से बाहर निकाला, हूण विहीन कर दिया भारत को, तो जिस हूण विहीन करने वाले, ये किसने कहा, ये जो प्रतिहार का वो सामंत राजा था, वहां का सामंत शासक था जूनागढ़ का, जूनागढ़ में वो चालुक्य वंश था, ये प्रतिहारों का बहुत विशाल साम्राज्य था, तो बिहार जो वो जो चालुक्य जो प्रतिहारों का सामंत था, उस सामंत अवंतिवर्मन चालुक्य ने वो कहता है, घोषणा करता है ऊना अभिलेख में कि हमारे जो पिता है बलवर्मन जजप नाम भी दिया है, जजप हूण राजा को मार करके हूण वंश विहीन भारत को कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि हूणों का इस देश, इसके पहले भी आक्रमण हुआ था, हमको सैदपुर भीतरी से गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त का लेख मिलता है जिसमें स्कंद गुप्त ने भी हूणों को मार निकाल बाहर किया था, ये आपके जो सैदपुर भीतरी अभिलेख हमारे लिए आकाट प्रमाण है। इसलिए ये जो वंश जो विष्णु वंश है और ये हूणों को स्वयं निकाल बाहर करता है, और उसी वंश से अभी जो वर्तमान में जो ये हलचल चल रहा है ये यथार्थ नहीं है, उसको हमारी वो फिर हमको नीचा दिखाने के लिए भारतीय संस्कृति को, क्योंकि हमारा वर्ष हमारा सभ्यता संस्कृति का इतिहास 10,000 वर्ष पुराना चला गया है अभी खुदाई की वजह से, इसलिए ये लोग ऐसा रच रहे हैं, तो ये सही नहीं है। और आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ये कुछ बातें उठ रही हैं कि गुजर जो है वो हूण है या बाहर से आए हुए हैं, वो नहीं है। नहीं, गुजर हमारे भाई हैं, गुजर हमारे शुद्ध भारत के हैं, भाजर गुजर मैंने वो
वो गुजर जो गो, जो गो, खेती वंश नहीं कहा गया, खेत का धन नहीं माना गया, हमारे गो वंश माना गया, पशुधन माना गया है, तो पशुओं के आधार मान करके अपने जीविका चलाने वाले गोजर, गोजर ये गौजर माने गौ गौजर जो गाय को चला करके ये गजेटियर में भी हमको मिल जाता है आपके करनाली गजेटियर में कि वो जो पशुओं का पशुधन ही हमारा होता है, पहले गाय को भी उलाते थे धन से खेतों से नहीं आते थे, तो उसी वो जो उस वंश वो जो हमारा गुजर वंश है और इसको जो गुजरों का इतिहास भी लिखा है अभी किसी बीएन पुरी ने, बीएन पुरी भी भारतीय श्री वैद्य ये आपके गौरीशंकर जीरा चंद्र ओझा और बीएन पुरी जिन्होंने स्वयं जो गुर्जर इतिहास लिखा है थीसिस लिखा है वो भी कहते हैं गुर्जर भारतीय हैं, तो ये दो तरफ विचार कैसे कर सकते हैं कि एक तरफ हूण कहते हैं जो बाहर से आए उनके वंशज हैं ये जो गुर्जर हैं और फिर शुद्ध कहते हैं शुद्ध भारतीय हैं, ये संभव नहीं। इसलिए तो लेकिन मैंने पढ़ा है यूची भी यूची जाति का भी वर्णन आता है जो रशिया और मंगोल की तरफ से आई है, रूसिया वो लोग आते हैं तो हमारे खाइया नहीं, नहीं, उनको ही गुजर कहा गया है, हाँ, सभी है। ये उसी से जोड़ते हैं ये टेम्पल, ये लोग बहुत होशियारी से ये यह तथ्य बिल्कुल अनैतिक है, यथार्थ नहीं है, ये हमारे तथ्य को हमारे भारतीयों को हीन दिखाने के लिए इस तरह से हमारे गुजर भाइयों को विदेशी साबित करने के लिए इस तरह की बातें कही गई है, इसलिए हम उसको नहीं मानते। बीएन पुरी ने भी नहीं माना है, बीएन पुरी भी मानते हैं गुजर हमारे अपने भारतीय हैं, वो शुद्ध हमारे वंशज हैं। वर्ण क्या हुआ उनका, वो हमारे गाय चलाने वाले हमारे यहाँ गुजर हैं जो गाय चला करके अपने वंश को आधार मानते थे, उसी पर जीविका चलाते थे, उस तरह से वंश हैं। जैसे हमारे यहाँ जो आपके बहुत से वंश ऐसे हैं जो गाय चला करके पशुओं आधार पर जो जीविका चलाते थे उसमें रहते थे, और उसे जोड़ना ये संभव नहीं है क्योंकि हूणों से जोड़ना जो स्वयं हूणों को मार भगाया है, प्रतिहारों ने मार भगाया है, प्रतिहार का सामंत राजा जो स्वयं ऊना विलेख में कहता है कि हमारे पिता बलवर्मन ने जो निकाल बाहर किया है हूणों विहीन भारत कर दिया है, और उसी वंश से आप गुजरों को जोड़ रहे हैं, प्रतिहार को जोड़ रहे हैं, यह असंभव है। लेकिन ये प्रतिहार जो है प्रतिहारों को तो राजपूत माने ही गया है, इसके तो मतलब अभी ये 10-15 साल से कुछ विवाद हो जाए वो अलग बात है, पर पूरा इतिहास है जिसमें राजपूत माना गया है चार वंशों को, तो उनको शक कहा है अंग्रेजों ने, सीथियंस। हाँ, तो सीथियंस कहा है, वो तब थ्योरी रचा जबकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई हुई थी, हमारी 4000 वर्ष पहले सभ्यता थी, इसलिए हमको नीचा दिखाने के लिए गुरु अपने ऊंचा दिखाने के लिए वो थ्योरी उन्होंने रख दिया कि थ्योरी ये इन लोग बाहर के आने वाले हैं, लेकिन अरे भाई बाहर के आने वाले हैं हमारे क्षत्रिय वंश का इतिहास वैदिक बहुत प्राचीन हजारों साल का इतिहास है, और अभी जो खुदाई हो गई राखीगढ़ी की धौलावीरा की हमारी सभ्यता 10,000 वर्ष पुरानी चली गई है, इसलिए ये नया षड्यंत्र रच करके कुछ षड्यंत्रकारी लोग हमारे गुजर बंधुओं को गुजर भाइयों को जो शुद्ध भारतीय हैं गुजर उनको ये हूणों से जोड़ करके और जो खज्जर जात से जोड़ करके विदेशी मना बता रहे हैं और वो प्रतिहार में ही बहुत जोड़ रहे हैं, ये अर्थार्थ नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है। लेकिन कुषाण भी कहा जाता है गुजरों को और कनिष्क से भी जोड़ा जाता है, वो तो ये विदेशी थ्योरी के लोग मानने वाले हैं ना, देखिए आप पढ़िए आपके जो सीबी वैद्या का पढ़िए, गौरीशंकर जीरा चंद्र ओझा को पढ़िए, इन लोगों ने नहीं माना, इन लोगों ने माना नहीं, हमारे शुद्ध भारत के लोग हैं। लेकिन कनिष्क के वंशज कहां गए, कनिष्क वंशज तो खत्म, अभी आप कहेंगे कि ब्रिटेन जो यहाँ शासन के उनके वंशज कहाँ गए, जो हम देखे 100-150 साल पहले, इसलिए वो चले गए या जहाँ गए और मिल नहीं गए। देखो अभी हमको दिखाई देता है कि उनके वंशज आज भी बहुत ही बड़ी संख्या में बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ये सब भरे पड़े हैं हिमालय के तलहटी में, इसलिए वर्तमान में इन क्षत्रियों का भी इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये लोग उस वंश में एक से एक वीर और राजा कवि विद्वान पैदा हुए, इसलिए हम उनको भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, इसलिए इस वंश का इतिहास साहित्य साधना भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव अद्भुत रहा है, इसलिए इस वंश के प्रति हम नतमस्तक हैं और भारत के सचमुच में ये भारतीय इतिहास के प्रतिहार थे, भारतीय राजवंश के प्रतिहार थे, भारतीय सीमाओं के प्रतिहार थे, रक्षक थे, तो इसलिए हमारी इनके 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 श्रद्धा में हमारा सिर झुक जाता है और भारतीय इतिहास का गौरव इतिहास हमारे सामने आता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वंश के पुरुषों को याद करते हुए राजाओं को आप जो है पुनः उनको स्मरण करके और हम कहना चाहते हैं कि आप सभी इतिहास प्रतिहार वंश के इतिहास को पढ़िए और नागभट्ट के वीर भोज के कर्तव्य को उनको देखिए, उनके जो उन्होंने काम किया है विशाल भारत में जो राज स्थापित किया है और जो उनके समय के मंदिर बने हुए हैं उसको भी देखिए अध्ययन कीजिए, तो आपको सारी बातें आपको इस वंश के विषय में जानकारी हो जाएगी।